पूरे उत्तरी भारत में इस टाइम हम लोग जो नासा की सैटेलाइट की इमेजेस देख रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे उत्तरी भारत के अंदर इस वक्त बहुत गहरा प्रदूषण की चादर छाई हुई है, धुएं की चादर छाई हुई है। और हम लोग दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लोगों की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हमारे बच्चों की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसलिए दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ मिलके जो भी कदम हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे बस में हैं, वो सारे कदम हम लोग उठा रहे हैं। और आज से दिल्ली में व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए, देखिए जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है, पराली का, फसलों के जलने का पोल्यूशन, उस पोल्यूशन को कम करने की तो हमारे वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे निपटने के लिए हम मास्क बंटवा रहे हैं स्कूल के बच्चों के जरिए, लेकिन अपना दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसे कोशिश करके और कम कर सकते हैं। तो व्हीकल्स के पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में जैसे डेली 30 लाख कारें सड़क पर उतरती हैं, तो आज 15 लाख कारें सड़क पे नहीं उतरेंगी, तो 15 लाख कारों का जो धुआं होता था वो कम हो जाएगा। इसके लिए आज से ऑड इवन शुरू किया है और मुझे बेहद खुशी है, सुबह 8 बजे आज शुरू हुआ था, तो पूरे दिल्ली से जो रिपोर्ट आ रही है लगभग 100% इसका पालन हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने जम के इसका समर्थन किया है, वॉलंटरीली इसका समर्थन कर रहे हैं। पूरे दिल्ली से मेरे ख्याल से इक्का दुक्का कोई चालान की घटनाएं सुनने को मिली हैं। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर बार की तरह कठिन से कठोर दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। अभी हम सब लोगों ने पिछले 2.5 महीने में, पिछले 10 हफ्तों से मिलके हमने डेंगू को हराया, सक्सेसफुली डेंगू को हराया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दिल्ली के लोगों के साथ मिलके मैं हम लोग प्रदूषण को भी काबू पाने में कोशिश करेंगे। सर, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1500 करोड़ रुपए आपने विज्ञापन के लिए खर्च किए, अगर इतने प्रदूषण के लिए होते तो शायद कम हो जाता। सर, वो कह रहे कि 1100 वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है कहना कि हमारा टोटल दिल्ली का सारा बजट मिला के एड का मेरे को लगता है 150 से 200 करोड़ है, और अभी भी उसमें काफी पैसा पड़ा हुआ है। तो वो झूठ पे झूठ फैलाते हैं। और हमने ऐड पे किस लिए खर्च किए, हमने डेंगू के ऊपर कैंपेन चलाया, डेंगू के ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से हमने पूरी दिल्ली के अंदर अवेयरनेस फैलाई, नहीं फैलानी चाहिए थी, डेंगू से मरने देते हम लोगों को। मैं जावड़ेकर साहब से पूछना चाहता हूं कि डेंगू का कैंपेन अपनी तरह का पूरी दुनिया का पहला कैंपेन था, जब 100 से ज्यादा देश पूरी दुनिया के अंदर डेंगू से जूझ रहे हैं, हमारे देश के अंदर सारे शहर डेंगू से जूझ रहे हैं, दिल्ली अकेला शहर है जिसने एक कैंपेन के जरिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन के जरिए डेंगू खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि हमारे केंद्रीय मंत्री को दिल्ली के लोगों की तारीफ करनी चाहिए थी, ना कि उनके इतने बड़े प्रयास को कमजोर दिखाना। एक मिनट। दूसरा, नॉर्थ इंडिया का जो पूरा इशू है प्रदूषण का, उसमें अकेले दिल्ली क्या कर सकती है, वो तो केंद्र को करना पड़ेगा ना, केंद्र को सारे राज्यों को एक साथ बिठाना पड़ेगा। जो रीजनल रीजन्स हैं, जो फसलें जल रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी जल रही है, पंजाब में भी जल रही है, हरियाणा में भी जल रही है, उसको तो वही केंद्र सरकार ही सब लोगों के साथ मिलकर कर सकती है ना, उसमें दिल्ली को क्यों वो दोष देते हैं, दिल्ली के लोगों को क्यों दोष देते हैं। एक सवाल और है, आज जब ऑड इवन के दौरान ये फाइंडिंग्स आई है, रिपोर्ट्स आई थी स्टेशन से हमारे सहयोगी ने किया, कि जो टैक्सीज हैं जो 500 रुपए लगते थे वो 1000 रुपए ले रहे हैं नोएडा जाने के, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं सभी दिल्ली के ओला और उबर ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो सर्ज प्राइसिंग नहीं करेंगे, और हमने भी उनको आदेश दिए कि वो सर्ज प्राइसिंग ना करें। उसी तरह से ऑटो और टैक्सी के किराए अभी बढ़ाए गए थे, और मैं उन सभी ऑटो वाले भाइयों से अपील करता हूं कि वो ओवर चार्जिंग ना करें, अगर ओवर चार्जिंग करेंगे तो सरकार सख्ती करेगी। अगर 30 लाख व्हीकल रोज सड़क पे उतरते थे और 15 लाख उतरेंगे,
और 15 लाख व्हीकल्स का धुआं कम होगा तो डेफिनेटली कम तो होगा ही होगा। ऑडिबन का हम समर्थन नहीं करते, वो चलान भी कटाएंगे, विरोध करेंगे। कौन? विजय गोयल, बीजेपी के। मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि जब पूरी दिल्ली के लोग, सारी दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके ऑडिबन का समर्थन कर रहे हैं, ऑडिबन का पालन कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। दिल्ली के लोगों के जो एफर्ट्स हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, उसका विरोध कर रही है। मुझे लगता है ये सही नहीं है। बीजेपी को इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, दिल्ली के लोगों का साथ देना चाहिए बीजेपी को, दिल्ली के लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। शुरुआती 2 घंटे में संजीव जैन वो कह रहे हैं कि 1174 उसको लेगा, क्योंकि बसेस का आपने टारगेट रखा था 2000, वो 8.5। मैं देख लेता हूँ, अगर किसी रूट के ऊपर स्पेसिफिक समस्या है तो उस पर बढ़ा देंगे हम। सर, एक आरटीआई एक्सप्रेस जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि 1174 करोड़ रुपए जो प्रदूषण नियंत्रण के थे उस पर अभी तक सरकार कुंडली मार कर बैठी हुई है। हमारे पास कौन से 1174 है? 1174 पता नहीं कौन से नियंत्रण, ऐसा नहीं है। प्रियंका, ऐसी जगहें हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो हमेशा होते हैं, लेकिन आज हमने काफी सारी ऐसी जगहें देखी जहां पर वो नहीं है। अब मैं इस पे चेक कराता हूँ, अगर दिल्ली बॉर्डर पे भी मैं सुबह देखा कोई एजेंसी नहीं थी और गाड़ियां गाजियाबाद और नोएडा के। अगर ऐसा है, आप लोग बता रहे हैं अभी, अगर मीडिया वाले जो बता रहे हैं कि कुछ ट्रैफिक जंक्शंस पे ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद नहीं है, तो मैं ट्रैफिक पुलिस से अपील करना चाहूंगा कि वो इस बात का ख्याल रखें, ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैदी के साथ ऑड इवन में मदद करनी चाहिए लोगों की, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एलजी साहब से बात करूंगा।